प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास एट्थ में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस क्लास एट्थ में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशंस के अंतर्गत प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राखीज मदर इज फोर टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। आफ्टर फाइव इयर्स हर मदर विल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज सी। सी विल बी देन फाइंड ईयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन वन कह रहा है बच्चों, राखीज मदर इज फोर टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। राखी की माँ राखी से चार गुना बड़ी है, ठीक है। आफ्टर फाइव इयर्स पांच वर्ष बाद हर मदर विल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज। पांच वर्ष बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की तीन गुनी होगी। सी विल बी देन फाइंड द प्रेजेंट एजेस। समझ में आया बच्चों, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों इसमें लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राखी बी यस इयर्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राखी बी यस इयर्स, देन द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों फोर इयर्स। कितनी गुनी है? फोर गुनी। राखी मदर इज फोर टाइम्स एज ओल्ड एज राखी, जो हो जाएगा फोर इयर्स इयर्स। क्लियर? आफ्टर फाइव इयर्स पांच वर्ष बाद, फाइव इयर्स कह रहा, आफ्टर फाइव इयर्स यानी एज क्या होगा बच्चों? फ्यूचर टेंस। इसमें एज क्या होती है बच्चों? ऐड हो जाती है, ठीक है। राखीज आफ्टर फाइव इयर्स द एज ऑफ द राखी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एफ प्लस फाइव ईयर, ठीक है। और निकाल लेंगे द एज ऑफ राखी राखी की मदर की एज हो जाएगी फोर एफ प्लस फाइव। क्या होगी? फोर एफ प्लस फाइव ईयर, ठीक है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग
to the questions regarding to the question, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। मदर्स एज जो है डॉटर्स एज की कितनी गुनी है बच्चों? 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी। आफ्टर 5 ईयर्स हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी विल बी देम। 5 वर्ष बाद राखी की मदर की आयु राखी के आयु की 3 गुनी होगी, यानी 4x लिखेंगे बच्चों। 4x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंप्लाइज दैट 4x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 15। अब 3x प्लस 15, 15 का बच्चों ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 4x माइनस 3x, ये 15 है, 5 ये प्लस 5 का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, माइनस 5, 4x में से x निकल गया बच्चों, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना आया? 10। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर बच्चों आंसर लिख देंगे, राखी प्रेजेंट एज या प्रेजेंट एज ऑफ राखी, पी आर ई एस ई एन, प्रेजेंट एज ऑफ राखी, आर ए के एच आई, राखी इक्वल टू 10 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, उसकी माता की प्रेजेंट आयु क्या होगी बच्चों? 4 टाइम्स है, 4 × 10 इक्वल टू 40 ईयर्स, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, क्या दे प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। मोनूज फादर इज 26 ईयर यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम? प्रिय बच्चों पुनः रिपीट, मोनूज फादर इज 26 ईयर यंगर देन मोनूज ग्रैंड फादर एंड 20 ईयर्स ओल्डर देन मोनू। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द ऑल ऑफ 3 इज 135 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम? प्रिय बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, मोनू के पिता मोनू के दादा से 26 साल छोटे हैं, यानी मोनूज फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंड फादर। मोनू के दादा से 26 साल छोटे हैं एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू, और मोनू से 29 वर्ष बड़े हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर्स।
तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। What is the age of each of them? उनमें से प्रत्येक की आयु क्या है? समझ में आया बच्चों? ये क्वेश्चंस है, आइए इसको हम सब सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप कई सॉल्व कर चुके हैं, लिखेंगे लेट मोनूज फादर एज बी एक्स years, ठीक है बच्चों, the age of मोनूज ग्रैंडफादर grandfather इक्वल टू ग्रैंड फादर एज विल बी क्या हो जाएगा बच्चों x plus 26 years समझ में आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसमें हमने लिखा है लेट मोनूज फादर एज बी एक्स ईयर्स माना मोनू के पिता की वर्तमान आयु एक्स ईयर्स है लेट मोनूज फादर प्रेजेंट एज भी यहां पे लिख दे रहे प्रेजेंट पी आर ई एस ई एन टी ठीक है बच्चों लेट मोनूज फादर प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर्स माना मोनू के पिता की वर्तमान आयु एक्स ईयर्स है द एज ऑफ मोनूज ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट एज यहां लिख दे रहा प्रेजेंट एज विल बी एक्स प्लस 26 ईयर्स मोनू के ग्रैंड फादर की वर्तमान आयु होगी एक्स प्लस 26 years, ठीक है? Then the age of मोनू की भी एज लिख लेते हैं Then the present age of the present age of मोनू will be क्या हो जाएगा ये 29 वर्ष छोटा है x माइनस 29 ईयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मून अब इसके बाद कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स निकाल लेते हैं एंड The sum of ages and the sum of ages equal to कितना है बच्चों 135 year according to questions ठीक है and the sum of ages अब इसमें value put कर देते हैं एक्स या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं पुट कर देते हैं एक्स प्लस एक्स प्लस 26 प्लस एक्स माइनस
29 इक्वल टू 135, क्लियर? यस सर। x x ऐड होकर के बच्चों हो जाएंगे 3x, 26 और 29 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, माइनस 3 इक्वल टू 135, क्लियर? आप 3 का ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों, याद जाएगा 3x इक्वल टू 135 प्लस 3 इक्वल टू 28x इक्वल टू 138 आया। ऑन डिवाइडिंग बाय 3 से डिवाइड कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 वी गेट, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर हम पाते हैं 3 1 3, 3 4 3 9 3 6 कितना होगा, 3 6 ठीक है, 3 4 12 3 6 18, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यक्स की वैल्यू आई है 46। अब सब की हम एज निकाल देते हैं, ठीक है? यहाँ पर एज लिख देंगे, डियर फोर मोनूज फादर एज, मोनूज फादर एज प्रेजेंट एज, इक्वल टू 46 ईयर्स, ठीक है बच्चों? अब लिखेंगे मोनूज मोनूज ग्रैंडफादर एज, मोनूज ग्रैंडफादर प्रेजेंट एज यक्स प्लस 26 है, यक्स की वैल्यू हमने 46 सिलेक्ट किया है, 46 प्लस 26 ये ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 72 ईयर्स, ठीक है? नोट कीजिए, एंड मोनूज एंड प्रेजेंट PREZENT इसको लिखेंगे, चल नहीं रहा है, लिखेंगे एंड प्रेजेंट PREZENT एंड प्रेजेंट एज ऑफ मोनू, यक्स माइनस 20 यानी 46 माइनस 29 इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों 17 ईयर, कितना आया 17 ईयर, ठीक है? इसको नोट कीजिए, बिठा दें। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड सन, ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हिम, फाइंड दियर प्रेजेंट
एजेज एक ए मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड सन। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपने पोते से 10 गुना बड़ा है। ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हिम। वो उससे 54 साल बड़े भी हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए हम सब मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द एज ऑफ ग्रैंड सन, लेट द एज ऑफ ग्रैंड सन, ग्रैंड सन माने होता है बच्चों पोता, बी यस यस ठीक है। देन अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे देन हिज ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर्स एज ठीक है बच्चों, विल बी 10 ईयर, क्या हो जाएगा 10 ईयर ईयर ठीक। अब डियर फोर एज ऑफ द ग्रैंड सन, ग्रैंड सन की आयु हो जाएगी बच्चों एक्स प्लस 54 इयर्स ठीक है, 54 मोर कह रहे हैं, आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हिम, उससे 54 वर्ष, यद्यप उससे 54 वर्ष बड़ा बड़े हैं ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब प्रश्न के अनुसार, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब प्रश्न के अनुसार, यानी 10 ईयर्स इक्वल टू आ जाएगा बच्चों एक्स प्लस 54 ठीक है। अब इसमें एक्स 10 एक्स है, एक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे माइनस एक्स इक्वल टू 54 इक्वल टू 9x इक्वल टू 54, अब 9 से डिवाइड कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9 लिख देते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9 वी गेट, दोनों पक्षों में 9 से भाग देने पर हम पाते हैं 9x डिवाइडेड बाय 9x डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 54 बाय 9, 9 से 9 बच्चों कैंसिल ठीक है, 9 6 जा 9 1 जा 9 9 6 जा 54 इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू कितना आ गया 50, एक्स इक्वल टू 6 कितना है बच्चों एक्स की वैल्यू 6, एक्स इक्वल टू 6 क्लियर लिख देंगे यहां पर, इतना नोट कीजिए यहां पर लिख देंगे डियर फोर, डियर फोर डियर फोर द
grandson. Grand G-R-A-N-D. Age 16 year. नाम क्या बच्चों? 16 year. ठीक है? 6 year. अरे हाँ, 6 year. कितना आएगा? 6 year. Clear? Yes. Grandfather is. Grand and यहां लिखेंगे and grandfather and grandfather F A T H E R yes grandfather's age equal to 10 into 6 हो जाएगा ये आ गया 60 years ठीक है बच्चों नोट कीजिए मिटा दें yes. प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 The difference between the ages of two cousins is 10 years. 15 years ago, if the elder was twice as old as the younger one, find their present ages. प्रिय बच्चों क्वेश्चन 4 में कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ टू कजिन्स इज 10 इयर्स दो चचेरे भाइयों की उम्र के बीच का अंतर 10 वर्ष है ठीक है बच्चों 15 इयर्स एगो 15 वर्ष बाद If the elder was twice as old as the younger one, ठीक है 15 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की दो गुनी है Find their present ages, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो ठीक है बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं इसमें लिखेंगे लेट द एज ऑफ द यंगर कजिन लेट चल नहीं रहा इस पेन को हम ट्राई करते हैं लेट द एज लेट द प्रेजेंट एज Let the present age, of younger, let the present age of younger cousin, C-O-U-S-I-N, cousin B, यस ईयर क्या नेट करेंगे बच्चों यस ईयर ठीक है हैं डियर फोर अब निकाल लेंगे द एज ऑफ इल्डर द प्रेजेंट ईयर 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 द प्रेजेंट एज ऑफ इल्डर Builder Build B क्या हो जाएगा बच्चों X plus 10 year ठीक है The difference between the ages of two cousins is 10 years अगर एक की एज
यक्स ईयर हमने अज्यूम कर लिया है तो दूसरे की एज क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 10 इयर्स, ठीक है। यस सर। अब लिखेंगे फ्री बच्चों क्वेश्चन कह रहा है 15 इयर्स एगो, पहले हम यहीं पर चर्चा करते हैं 15 इयर्स एगो, 15 इयर्स एगो की मीनिंग हो गई बच्चों पास्ट टेंस, कौन सी हुई पास्ट टेंस, यानी वर्तमान काल में पास्ट टेंस की चर्चा की जा रही है, तो हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 15 इयर्स एगो द एज ऑफ यंगर, द एज ऑफ यंगर, द एज ऑफ यंगर कजिन, सी ओ यू एस आई एन, यंगर कजिन, ये हो जाएगा बच्चों यक्स माइनस 15 ईयर, ठीक है। एंड द एज ऑफ एल्डर कजिन, एल्डर कजिन, कजिन मीन्स चचेरा भाई, ठीक है। यक्स प्लस 10 माइनस 15 ईयर, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा यक्स माइनस 5 ईयर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, 15 इयर्स एगो इफ इल्डर वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, ठीक है बच्चों, यानी यक्स माइनस वाई, यक्स माइनस 5 जो है ये ट्वाइस है किसके, यक्स प्लस सॉरी ट्वाइस है यक्स माइनस 15 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इंप्लाइज दैट यक्स माइनस 5 इक्वल टू 2 का यक्स से मल्टीप्लाई होगा 2x, माइनस का 30 हो जाएगा। अब 2x का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, यक्स माइनस 2x इक्वल टू ये माइनस 30 है, 5 का ट्रांसपोज इस तरफ करेंगे प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। यक्स माइनस 2x में से लेस होगा तो माइनस x आएगा और ये माइनस का 25 हो जाएगा, क्लियर। अब यक्स माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, द वैल्यू ऑफ यक्स यहाँ पे लिख देते हैं, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25, क्लियर दिख रहा है ना। यस सर। अब लिख देंगे यहाँ पर आंसर कितने में, लिखेंगे एज ऑफ यंगर कजिन, एज ऑफ यंगर वाई ओ यू एन जी यंगर कजिन सी ओ एस आई एन, द एज ऑफ यंगर कजिन सी ओ यू एस आई एन, एज ऑफ यंगर कजिन कितना आ जाएगा बच्चों 25 ईयर्स, ठीक है क्लियर। एंड द एज ऑफ एल्डर कजिन, इक्वल टू 25 में 10 ऐड कर देंगे, ठीक है 25 में 10 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा
ईयर्स यानी 35 ईयर्स, कितना आ गया बच्चों 35 ईयर्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए। बता दें प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम शूट करने चल रहे हैं। इस क्वेश्चंस को इसके पहले वाले वीडियो में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने दो मेथड से सॉल्व किया था, इस क्वेश्चंस को भी दो मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रथम मेथड जो आपके बुक में प्रिस्क्राइब्ड है उस मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। लिखा है बच्चों क्वेश्चन 5 2 इयर्स एगो, 2 इयर्स एगो दिलीप वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड 2 इयर्स हेंस ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस। प्रिय बच्चों क्वेश्चंस कह रहा है 2 इयर्स एगो 2 वर्ष पहले दिलीप वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, दिलीप अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना था एंड 2 इयर हेंस और 2 वर्ष बाद ट्वाइस हिज एज उसके उम्र का दुगना विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 2 वर्ष बाद उसके उम्र का दुगना पुत्र के उम्र के 5 गुने के बराबर है, फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों यहां पर हम चार्ट बनाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये हम मान लीजिए हमने चार्ट बना दिया, ठीक है, यहां पर हमने लिखा बच्चों पास्ट लिखा, यहां पे लिखा प्रेजेंट, यहां पे हमने लिख दिया फ्यूचर एफ यू टी यू आर ई, ठीक है। यहां पे एक कॉलम और बना दिया, ठीक, यहां पे इस कॉलम में हमने बना दिया बच्चों क्या, इस कॉलम से कोई मतलब नहीं, यहां पे बना दिया सन, क्या बना दिया सन, सन माने पुत्र, यहां पे बना दिया दिलीप, दिलीप जो है पिता है, क्या है बच्चों पिता, पिता कौन है दिलीप है, ठीक है। प्रिय बच्चों हमने यहां पर 3 कॉलम बनाया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, और यहां पे सर लिख दिया, यहां पर दिलीप, दिलीप क्या है फादर है किसका, बच्चे का, अब हम एज जो है पास्ट टेंस में रेट कर रहे हैं, किसमें रेट कर रहे हैं 2 इयर्स एगो, हम मानते हैं 2 इयर्स एगो जो है सन की एज जो है यक्स इयर्स है, 2 इयर्स एगो सन की एज क्या है बच्चों यक्स इयर्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 2 इयर्स एगो दिलीप वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, सन की एज हमने यक्स माना तो दिलीप की एज क्या हो जाएगी बच्चों पास्ट में 3x, समझ में आ रहा, पास्ट में एज क्या हो जाएगी 3x, क्लियर। फिर उसके बाद प्रेजेंट एज अगर हम निकालना चाहेंगे यानी प्रेजेंट 2 वर्ष पहले हमने पास्ट में एज माना यक्स सन की और दिलीप की एज माना 3x, तो प्रेजेंट में एज क्या हो जाएगी यक्स प्लस 2 इयर्स, ठीक है,
इसमें क्या हो जाएगी, 3x + 2y, क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद फ्यूचर का मतलब हो गया 2 years hence. 2 years hence का मतलब क्या हो गया बच्चों? फ्यूचर, फ्यूचर में दो वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद, यानी 2 years इसमें और ऐड हो जाएगा, x + 2 + 2, ठीक है? इसमें भी इसी प्रकार ऐड हो जाएगा, 3x + 2 + 2, यानी फ्यूचर की ये निकल आई, ठीक है? समझ में आया? इसके बाद कंडीशन बना करके सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। लिखेंगे लेट दिलीप सन, लेट दिलीप DILLIP, लेट दिलीप सन, लेट दिलीप सन एज, एज 2 years ago, B x year, समझ में आ रहा बच्चों? x year then दिलीप एज, दिलीप सर एज 2 years ago, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितना हो जाएगा, B 3x, कितना हो जाएगा बच्चों? 3x year, समझ में आ रहा है? क्लियर? यस सर, ठीक है, B नहीं लगा, इक्वल टू। प्रिय बच्चों, ये हमने जो एज अज्यूम की है, लेट दिलीप सन एज 2 years ago, BX years, देन दिलीप एज 2 years ago, क्या हो जाएगा? थ्राइस एक्स, क्या कह रहा है यहाँ पे? थ्राइस टाइम्स, इसलिए थ्राइस एक्स हो गया। अब केस ये फर्स्ट था, केस सेकंड में कह रहा है 2 years hence, क्या कह रहा है? 2 years hence, ठीक है? अब हम लिखेंगे Therefore the son's age, the son's age 2 years hence. प्रेजेंट एज तो हमने लिखे नहीं, 2 years hence, ठीक है? प्रेजेंट एज वाली भी शामिल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा मिल करके, x + 4, क्या हुआ बच्चों? x + 4 year, क्लियर? समझ आया? द सन्स एज निकाल दिया, अब निकालेंगे दिलीप से, DILLIP, दिलीप एज 2 years hence, कितना हो गया? 3x + 4, ठीक है बच्चों? क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कह रहा है इसमें, एंड 2 years hence ट्वाइस हिज एज का मतलब दिलीप के आयु का हम ट्वाइस कर देंगे,
थ्री इयर्स प्लस फोर ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू फाइव टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सन के एज का फाइव टाइम्स फाइव इंटू एक्स प्लस फोर। क्लियर बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस टू फोर जा एट फाइव एक्स, ये आ गया ट्वेंटी। और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिक्स एक्स फाइव एक्स का ट्रांसपोज कर लिए इस तरफ इक्वल टू ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेंटी, और ये इस तरफ गया माइनस एट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल ट्वेंटी में से एट निकल आया कितना आ जाएगा ट्वेल्व, है ना। एक्स की वैल्यू ट्वेल्व आई। ठीक है, इसमें पूछ रहा है फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस। हम प्रेजेंट एज डायरेक्ट लिखेंगे। प्रेजेंट एज क्या माना था? एक्स प्लस टू और थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन पी आर ई एस ई एन प्रेजेंट एज ऑफ सन प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट एज है एक्स प्लस टू, एक्स की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू इक्वल टू कितना आ गया फोर्टीन ईयर। कितना आया फोर्टीन ईयर। क्लियर? आप प्रेजेंट एज आप बिलीव पी आर ई एस ई एन प्रेजेंट एज आप बिलीव बी आई डबल एल आई टी। बिलीव क्या है? फादर है इसका एफ ए टी एच ई आर बच्चे का, है ना। क्या निकला है थ्री एक्स प्लस टू, यहां लिख देंगे थ्री एक्स प्लस टू। थ्री एक्स की वैल्यू कितना बच्चों थी ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू मिल करके आया छत्तीस प्लस टू यानी थर्टी एट ईयर। कितना आ गया थर्टी एट ईयर। क्लियर? इसको नोट कीजिए। अगर पास्ट की एज पूछा जाए तो कितना हो जाएगा ट्वेल्थ इयर्स, और ट्वेल्थ थ्री जा थर्टी सिक्स इयर्स। ठीक है, बता दें। आइए अब हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, इसी क्वेश्चंस को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। लिखा है टू इयर्स एगो दिलीप वाज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड टू इयर हेंस ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू फाइव टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों की प्रेजेंट एज में प्रेजेंट टेंस में दोनों की एज हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद टू इयर्स एगो केस नंबर फर्स्ट, टू इयर्स एगो का केस बनाएंगे, फिर उसके बाद आफ्टर टू इयर्स का केस बनाएंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस हाजिर हो जाएगा, क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे लेट द प्रेजेंट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप दिलीप डी आई डबल एल आई टी दिलीप सन बी एक्स ईयर। ठीक है बच्चों, माना वर्तमान काल में, माना वर्तमान में
दिलीप के पुत्र की आय यक्ष वर्ष है, ठीक है। एंड द प्रेजेंट, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप, DIRRIP, दिलीप BY years, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद 2 years के वो केस फर्स्ट 2 years एगो 2 वर्ष पहले, 2 years एगो का मतलब हो गया बच्चों पास्ट टेंस, क्या हो गया पास्ट टेंस में निगेटिव कर दिया जाता है, ठीक है। द एज आप लिखेंगे, द एज ऑफ 2 years एगो, द एज ऑफ दिलीप सन इक्वल टू हो जाएगा यक्स माइनस 2 years, समझ में आ रहा। द एज ऑफ दिलीप सन, द एज ऑफ दिलीप क्या हो जाएगा बच्चों, एज ऑफ दिलीप वाई माइनस 2 years, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो केस बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, 2 years ago 2 वर्ष पहले दिलीप वाज 3 times as old as his son, 2 वर्ष पहले दिलीप अपने पुत्र की आयु का 2 गुना था, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार एज ऑफ दिलीप यानी वाई माइनस 2 इक्वल टू कितना टाइम्स था, 3 times, 3 यक्स माइनस 2, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट वाई माइनस 2 इक्वल टू 3x-6। अब 2 का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, वाई इक्वल टू 3x-6+2 आ जाएगा, वाई इक्वल टू 3x-4, क्लियर। इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक बच्चों। अब चर्चा कर रहा है एंड 2 years हेंस, यानी और 2 वर्ष बाद ट्वाइस हिज एज, उसके आयु का दुगना यानी दिलीप के आयु का दुगना विल बी होगा इक्वल टू 5 times दैट ऑफ हिज सन, यानी 2 वर्ष बाद दिलीप के आयु का दुगना उसके पुत्र के आयु के 5 गुने के बराबर होगा, ठीक है। यहां पर लगा देते हैं, यहां पर लिखेंगे बच्चों केस सेकेंड 2 years हेंस, 2 years हेंस यानी 2 वर्ष बाद, यानी बात किसमें कही जा रही है बच्चों, ये फ्यूचर टेंस में, किसमें फ्यूचर टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस की बात प्रेजेंट टेंस में कही जा रही है, फ्यूचर टेंस इसमें क्या कर देंगे बच्चों पॉजिटिव कर देंगे, ऐड कर देंगे। द एज ऑफ दिलीप सन, द एज ऑफ
दिलीप सन, क्या हो जाएगा? यस प्लस टू इयर्स, यस प्लस टू इयर्स, लिख रहा है ना। अब यहां पे लिख देंगे द एज ऑफ दिलीप, द एज ऑफ दिलीप, दिलीप इक्वल टू वाई प्लस टू ईयर, वाई प्लस टू ईयर, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार, कह रहा है टू ईयर हेंस ट्वाइस हिज एज, यानी दिलीप की आयु का दुगना वाई प्लस टू, ठीक है, ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू फाइव टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सन के एज का फाइव टाइम्स फाइव यक्स प्लस को, इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, ये आएगा, दिख रहा है ना, टू आई, टू आई प्लस फोर इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टेन, और सिंप्लीफाई करते हैं, फाइव एक्स का ट्रांसफर इधर कर लेते हैं, टू आई माइनस फाइव एक्स टेन, फोर का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे, ये माइनस फोर, ठीक है, अगले स्टेप में हो जाएगा टू आई माइनस फाइव एक्स इक्वल टू सिक्स, इक्वेशन नंबर ये बच्चों ने बना लिया सेकेंड, इतना नोट कीजिए, फिर इसको मिटा के सॉल्व करेंगे। बिठा दें, yes, sir. नंबर फर्स्ट हमने बनाया था वाई इक्वल टू क्या था, वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर, थ्री एक्स माइनस फोर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने जनरेट किया था। इक्वेशन सेकंड आया है टू वाई माइनस फाइव एक्स इक्वल टू सिक्स, इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, इक्वेशन फर्स्ट से वाई की वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है, लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, putting the value of y in equation first we get, ठीक है बच्चों, समीकरण वंस putting the value of y in equation second, in equation second from first, in equation second from we get, ठीक है, समीकरण वन से y का मान समीकरण दो में रखने पर, पहले इक्वेशन हम टू लिख लेते हैं, टू वाई माइनस फाइव एक्स इक्वल टू सिक्स, ठीक है बच्चों, फिर अगले स्टेप में y की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या है, थ्री एक्स माइनस फोर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू सिक्स, अब इसमें टू का मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स एक्स माइनस एट, सिक्स एक्स टू का मल्टीप्लाई किए, टू थ्री जा सिक्स एक्स, टू फोर जा एट, माइनस फाइव एक्स
इक्वल टू सिक्स। इसको और बच्चों सॉल्व करेंगे, सिक्स एक्स में से फाइव एक्स निकल जाएगा तो एक्स आएगा, और माइनस एट का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे तो ये एट हो जाएगा। ये आया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स एट कितना होता है, सिक्स और एट कितना होता है, फोर्टीन। क्यों नहीं बोलते हो, मुंह में आवाज नहीं है क्या, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्टीन। क्लियर। अब इस एक्स की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑफ एक्स इन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, वी गेट। क्लियर, इतना नोट कीजिए। वाई वाई इक्वल टू आ जाएगा, वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस का फोर, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू थ्री इंटू x की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस 4, 14 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 42 माइनस 4, 42 में माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए 38, y की वैल्यू कितनी आ गई 38। भाई की वैल्यू कितनी आई, 38। बच्चों अब ये आंसर आ गया, ये x किसकी एज है, सन की, और y किसकी एज है, दिलीप की, यानी सन के फादर की। लिख देंगे हेंस द प्रेजेंट एज एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इक्वल टू आएगा बच्चों 14 ईयर एंड द प्रेजेंट एज एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द दिलीप, दिलीप डी आई डबल एल आई पी इक्वल टू आ जाएगा 38 ईयर्स। ठीक है बच्चों, यही आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए।